ज्यादा मस्ती कर रहा था, तेरा कमजोर पॉइंट मिल ही गया आगे मुझे। अब चलते हैं मम्मी। संजीव खड़ा होना थोड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं मालिश करूंगा पूरी बॉडी की, धूप में कर रहा था। मम्मी पापा ने मालिश करनी है थी, वही मालिश करके मस्त फिर नहाएंगे और डैडी को जवान भी कर देते हैं। डैडी नहा लिया क्या? नहीं ना, तो डैडी को जवान करते हैं, डैडी के सफेद बाल काले कर देते हैं। टैफी को भी नहला देते हैं। ठीक है, टैफी को भी नहला देते हैं। मेरा बच्चा धूप सेक रहा है, आज आ जाओ। मेरा बच्चा धूप सेक रहा है, गर्म गर्म हो गया है, ले ले ठंडी में। डैडी का डाई लगाना कैंसिल हो गया है अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए। अरे भैया क्या हुआ, लग रही है? अरे बस हस्बैंड होती है ना। ज्यादा मस्ती कर रहा था, तेरा कमजोर पॉइंट मिल ही गया आगे मुझे। क्या करे भैया, नहीं मालूम है ना कहाँ जा रही है मम्मी यार। जे कटलर बनने यार, ये मेडल मैं तेल में इतना ही ठीक है, मुझे ज्यादा और हो जाएगा उधर रगड़ना पड़ेगा। चलाने वाले बेटा, अब डैडी की बारी है मालिश की। मालिश की बात कर, अब चलते हैं मम्मी। फर्क पड़ा हुआ है, उसका नीचे पूरा खुल जाती है। मालिश करने वाले की उल्टी मालिश हो जाती है। ये फोरआर्म्स की एक्सरसाइज होती है भयंकर। संजीव खड़ा होना थोड़ा थोड़ा नहीं लगा, सालों हो गई तेल ही नहीं लगे थे। समझते ये क्या चीज़ है, सर यू कल खोल दे। एक देरी चीज़ होती है, समझते भी हैं। सुस्ती सर जी की दूर कर दी था आज। और कभी मम्मा ने पूरा छोड़े मंडे पूरे सब खोल दी, जोड़ फोड़ सब कड़क कड़क सब। उसका नहाने का नाम सुनते ही डर कांपने लग जाता है, वो कहाँ पर आए ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, नहीं नहला रहे, ठीक है शांत हो जाओ, नहीं नहला रहे। नहा के आ गया मैं, मसाज करने के बाद बहुत ओपन फील हो रहा है। ब्रोकली रोटी और अचार अभी खाते हैं। मैंने पावर नैप ले लिया और मैं जिम जा रहा हूँ, जिम करके आता हूँ फिर। A few inches later. So I'm back. Now it's time for dinner. कितनी अच्छी वैन है मेरी, मेरे लिए ब्रेड सेक लिया, पीनट बटर वाला नहीं चाहिए, खुद सेक लूंगा। दीदी ने फ्लैक्स सीड्स मंगवाया और मूंगफली मंगवाई है, पीनट बटर बनाने वाली है नेचुरल, देखते हैं कैसे बनेगा। ये बनाया मैंने, मलाई लगा दिया सबके ऊपर, और ये ब्रोकली की सब्जी और मूंगफली मेरी फेवरेट। जी मत करो यार, दी पता नहीं क्या हो गया, ये इससे दर्द हो रहा है, मैं पूरा भूजे बंद कर पा रहा हूँ। और कर ले एक्सरसाइज और चिपट जाएगा मुंह। ये कौन सा लॉजिक है बे? पता नहीं क्या हो गया ये। क्या किया तुम? कुछ नहीं, पता नहीं मेरे को लग रहा है सूते से मुंह टेढ़ा हो गया है। हाँ तो तू कैसे पेट के बल सोता है? हाँ तो बस ऐसे हो गया ना, तो ऐसे जाएगा फिर काम से। बहुत हाँ सही बात है। और फिर तेरा जो सोने का पोस्चर है उसको सुधार। और एक तो ऐसे सोते नहीं, यूं करके ऐसे करके और सोते, ये तो बहुत मजा आता है। मजा आता है लेकिन ये प्रॉब्लम। ओके मैन, दीदी ने पोस्चर तेरी बता दी सोने के पोस्चर से होना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करता है तेरा पोस्चर देखता है तू, ऐसे करूंगा तो ऐसे मसल बनेगी। अब ये कैसे कट, वो डंबल उठाते हो ना तुम लोग, तो डंबल उठाने का भी तरीका होता है कैसे? अच्छा भाई ऐसे तो नहीं उठाता डंबल। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और हमारे घर वाले हमेशा की तरह बाहर बैठे हुए। ये हमारी स्कूटी का खराब हो गया है लॉक पीछे वाला, ये बंद ही नहीं हो रहा बेचारा। भैया ऐसा मत करते ना, पेट्रोल भी दलाना है। गलती से ऊपर चला गया था, रेस्टोरेंट तो नीचे है। मैं प्लेन डोसा लूँगा हिमांशा के लिए, मसाला डोसा। तब तक पैकिंग कर लेते हैं, ये डोसे आ गए। चुपका के डोसा खा के चलते हैं। इनकी मैडम छुट्टी में, पार्सल के मना कर दी। क्या करें, कल आएंगे, कल तक वेट करना पड़ेगा। तो पैकिंग करके आए थे जल्दी जल्दी, बताओ कोई फायदा होगा? अभी दूसरे पोस्ट ऑफिस जाके देख रहे हैं कि वहाँ हो जाएगा तो ठीक है, वरना कल करेंगे। अब पेट्रोल डला लो अभी, अभी डाल। दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी कोई नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है, आज किस चीज की छुट्टी कर ली सबने, अब कल ही कर पाएंगे। So guys, I am ready for gym. Eternity later. So workout हो चुका है पूरा और मैं दूध लेने जा रहा हूँ, गाड़ी भी आ गई दूध वाली। तो दूध भी ले लिया है, काम तो हो गया। पर कल मैं से मम्मी से मजाक में पूछ रहा था मैं जलेबी खानी है, तो मम्मी ने मना कर दिया। तो जिम के बाद जब आया घर पे बोलती जलेबी नहीं लाया, मतलब मम्मी का मन है जलेबी का, तो अभी ले जाते हैं जलेबी उनके लिए, खुश हो जाएंगी। तो मम्मी को बेटा मेरे तो व्रत है आज। अरे यार ऐसे मत बोलो, उपवास है।
मम्मी यार 5 मिनट नहीं गरम गरम सिखवा के आया हूँ यार। तुझे नहीं मालूम था ये अष्टमी? अष्टमी का व्रत है दीदी का भी। यार नुकसान हो गया, कोई खा लो क्या हो गया। हाँ कल तो फिर वो ढीली हो जाएगी मम्मी, ऐसी कर ले आऊंगा नहीं फिर, है ना। ब्रज ले चलूं और ब्रज में खूब दोनों भैयाओं का घर बनवा दूं अच्छे से। यार मम्मी ले लेंगे ले लेंगे, मम्मी की मथुरा की इच्छा। वेट चेक कर लेता हूँ अपना, ऐसे पहले चेक करना चाहिए था जिम स्टार्ट करने, मतलब जब जिम स्टार्टिंग करा था 1 महीने पहले। एक वन कम वेट है 86.65, वेट तो बहुत ज़्यादा हो रखा है। हाफ एडिटिंग तो कर लिया मैंने और आधी और रह गई है, मतलब कल की कर लिया, आज के दिन की पूरी एडिटिंग रह गई है, वो करके और फिर मैं ब्लॉग अपलोड कर दूंगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। We'll be right back.